सो हेलो एवरीवन, मैं आज देहरादून आया था अपने भाई अंगद बिस से मिलना है और अपना रजिस्ट्रेशन का काम भी था। तो आपको जैसे सब लोगों को तो काफ़ी को पता है कि भाई मेरा प्राइवेट चैंपियन रह चुका है। भाई बेल्ट दिखाना, ये देखो भाई काफ़ी हैवी बेल्ट है भाई, मज़ा आ गया। मतलब जो सामने से दिख रहा है ना वो आपको फोटो वीडियोज़ में नहीं दिख पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई एक बार फिर से दोबारा। मतलब हमारा जो जिम की जर्नी वो साथ में थी, साथ में थी। हाँ, जो रुद्रप्रयाग के और जिम एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, मैं जिम से जो भी इंस्पायर हुआ हूँ अपने भाई की वजह से हुआ हूँ। जो भी कर रहा हूँ, भाई ने बोला था मैं ज्वाइन करने के लिए, बट भाई मेरे पास किताब तो थी नहीं, टू बी एनेस्ट। मेरा था प्रोफेशन नर्सिंग का, तो मैं उस पर ही आया। मतलब वैसे एक बात है, जो सूरज ने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, लाइक एक मतलब पहले बहुत पतला सा था, अब काफ़ी बफ हो गया है। थैंक उसकी यू जर्नी भाई। भी अच्छी है लाइक, पर तुम्हारा ये है ना, तुम्हारी जॉब भी है, हाँ तो जॉब के साथ साथ जिम करना इज लाइक टफ, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स लाइक साइड हसल होना चाहिए, लाइक जिम जिम हो गया, ये सारी चीज़ हो गया। याद है हम वहाँ रहते थे, कहाँ ये क्या था वो पुलिस वालों का जिम, जहाँ 150 रुपये फीस हाँ डेढ़ लेते सौ थे, रुपये फीस देते थे। महेंद्र जहाँ 200 किलो कह रहे कि 200 किलो मान लेंगे, आधे रबड़ में क्या कमी होते थे, वो सारे कमी रबड़ होते दो थे, सौ किलो हाँ नहीं काफ़ी कम होता होते थे, काफ़ी वेट तो टूटे हुए होते थे इनके। था। तो मतलब वहाँ से स्टार्टिंग हुआ हमारा, पहले मैं भी जिम लाइन में था, जिम से मैं हाँ एक एमबीबीएस चीज़ और मार्शल बता आर्ट दूँ भाई, पहले जिम लाइन में ही था, शायद इन्होंने फोटो सारी हटा दी अपनी। बल्किंग था इनका, 95-96 kg था, दिल्ली में ट्रेनर भी थे। फिर वहाँ से इनको एमएमए का जोश चढ़ा है, उसके बाद से इन्होंने एमएमए स्टार्ट किया है। मतलब जो जिम वाली लाइन थी एंड देन जिम से यहाँ आ रहा, तो अभी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, लाइक बहुत से जो हमारे जिम में हैं लोग काफ़ी मतलब काफ़ी वो ओल्ड स्कूल चल रहा है हमारे यहाँ अभी, जो जिम वाला जो सीन होता है, जो अभी कार्डियो बिल्कुल जीरो होता है जिम में। कार्डियो बिल्कुल नहीं हाँ, होता है। फिर जैसे अभी स्ट्रेंथ एंड कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट आया हाँ वो वो, चीज़ बहुत है, जिम और एमएमए भाई बहुत अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, तो लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना इसमें, क्या कहते हैं एमएमए में, फर्स्ट जो क्लास ली थी मैंने उस पर, तो मेरा ऐसा हो गया था, मैंने कहा ऐसा भी, जबकि वो ऐसे ही था, मतलब उसमें खाली वो ये करा रहे थे, फ्रॉग जंप हो गया, डक वॉक हो गया, चार चार राउंड, खाली बॉडी वेट एक्सरसाइज ही थी, लेकिन यार जबरदस्त थी वो। लाइक तब मुझे पता चला कि यार मेरी बॉडी में एंड्योरेंस कुछ है ही नहीं, कार्डियो कुछ है नहीं, खाली साइज था, 17-17 इंच के बाइसेप्स थे, लेकिन उसका कुछ वो नहीं था। इसको मैं यही कहता हूँ कि यार वो रनिंग डराने के लिए रनिंग ठीक था। डराने के, हाँ तो उसको मैं यही कहता हूँ कि यार रनिंग हो गया ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, एज अ जिम वालों को जो भी तुम्हारे वो हैं मतलब फॉलोअर्स वगैरह जो भी देखते हैं इसको, मैं यही बोलूँगा कि जिम जब आप जा रहे हो इट्स ऑल अबाउट मसल्स, कि हाँ मुझे मसल्स बनानी है, बिग होना है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स ऑल अबाउट हार्ट, लाइक आपको कार्डियो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे एमएमए में क्या होता है, हमारे एमएमए इट्स ऑल अबाउट कार्डियो, स्ट्रेंथ एवरेज रहती है, स्ट्रेंथ भी काफ़ी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वाली एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ रहती है, कि बूम यू नो एक्सप्लोड किया एंड निकल गया वहाँ से ऐसा। बाकी वो ड्यूटी का बदली ड्यूटी आज तो ऑफ है, कल मॉर्निंग है, जिम पर पड़ेगा। जिम शाम को जाऊंगा भाई, निकलते हैं, अच्छा भाई लंच करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। ठीक है, ठीक सो है, आज के लिए इतना बहुत है, और गाइस जस्ट जर्नी फॉलो करो, अभी अभी मतलब वही है, टॉप पे जाने के बाद फॉलो नहीं करना है ना, अभी करना है, अभी बहुत करते आगे हैं। देखना है, थैंक यू क्योंकि भाई। अक्सर जैसे अभी जैसे लोग भी मुझे अब बोल रहे हैं लाइक टॉप पे जाने के बाद यू नो हमने तुम्हारी फाइट, तो मैं जब पूछता हूँ कि जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो अब बोल रहे हैं पार्टी शार्टी दो ये वो, वो लोग मतलब पहले कहीं नहीं थे, ठीक है, पहले नहीं बोलते ना वो फाइट से पहले नहीं पहले, बोलते हैं, मतलब और फाइट से पहले प्रमोट करते बाद भी में नहीं सारे है, प्रमोट करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी स्ट्रगल आपके सामने पे, आपके जो है उसको बॉटम से सपोर्ट करो, ठीक है बाय।